हाय गाइस, मैं हूं पवन कुमार फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको एक 2BHK का फ्लैट दिखाने वाला हूं, जो कि तकरीबन वो फ्लैट हमारा रेडी हो चुका है और मैं आ चुका हूं स्पॉट पे और आपको दिखाऊंगा 2BHK का फ्लैट, जो कि तकरीबन 62 स्क्वायर यार्ड यानी कि 62 गज में बना हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा इस बिल्डिंग की प्लॉट साइज़ की, तो तकरीबन 125 गज के आसपास की बिल्डिंग का प्लॉट साइज़ रहने वाला है। और बात कर लेते हैं अब यहाँ की लोकेशन की, तो लोकेशन ये आपकी डी ब्लॉक मोहन गार्डन उत्तम नगर न्यू दिल्ली 110059 यहाँ का पिन कोड रहने वाला है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका रहने वाला है नवादा मेट्रो स्टेशन। और अब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होगी कि यहाँ से मेन रोड जो है कितना रहेगा, मेट्रो स्टेशन कितना रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तकरीबन 250 से 300 मीटर पे ही आपको यहाँ पे जो है एक मेन रोड पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये हमारा प्रोजेक्ट है। और सबसे बेस्ट पार्ट के जब ये जो गली हमारी है 20 फीट की गली है, गली से जब आप एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा पार्क देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में क्लिप में आपको वो पार्क भी दिखाऊँगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग की यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ कि यूनिट जो है हमारी पर लेंटर पे 2 यूनिट अवेलेबल है, फ्रंट और रियर, जिसमें आगे भी जो है आपका 62 स्क्वायर यार्ड और पीछे भी आपका 62 स्क्वायर यार्ड में है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 फ्लैट आपको यहां पे मिल रहे हैं और गाड़ी की पार्किंग मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो एंटर करते हैं हमारा आता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो लिविंग एरिया का डायमेंशन तकरीबन 10x13 या 14 के आसपास का साइज रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉलपेपर लगाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर वॉलपेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं लीफ का एक डिजाइन है गोल्डन कलर में, स्काई ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। बात कर लेते हैं सोफे की प्लेसमेंट की, तो तकरीबन आपका प्रॉपर यहाँ पे सोफा इजिली लग सकता है। और फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग का डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत ही सुंदर स्क्वायर शेप में फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। लिविंग एरिया में अगर मैं बात करूं तो सोफे की प्लेसमेंट आपकी प्रॉपर हो जाती है, 5 सीटर 6 सीटर आपका सोफा इजिली लग सकता है क्योंकि स्क्वायर शेप में ये लिविंग हॉल है। और टीवी कैबिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक सोफे के सामने टीवी कैबिनेट है जिसमें व्हाइट कलर और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में ये टीवी कैबिनेट बनाया गया है। LED लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या, आपको AC के लिए जो यहाँ पे पाइपिंग वगैरह है वो हमने यहाँ पे कर दी है। अब हॉल के साथ ही हमने यहाँ पे आपको एक फुल्ली मॉड्यूलर किचन बना के दिया हुआ है। किचन में आपको दिखा देता हूँ, किचन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रिज के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जो आप यहाँ पे अपना इजीली फ्रिज यहाँ पे लगा सकते हैं विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस के साथ। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ किचन। किचन आप देख सकते हैं 2BHK के हिसाब से आपकी सेपरेट किचन रहेगी, ज़्यादा ओपन भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया किचन ये डिज़ाइन किया गया है। ऑलमोस्ट जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे है सभी आपको यहाँ पे मिल रहा है, चिमनी यहाँ पे इंस्टॉल है। अभी जो है बात करूँ अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस की तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है। तकरीबन जितनी भी बास्केट्स हम आपको लगा के देते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल ही रही है, चाहे वो क्रॉकरी बास्केट्स हो, कटलरी बास्केट्स हो। ऑल ओवर किचन की बात करूँ और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी आपको एक विंडो का ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपकी विंडो रहने वाली है। और अब हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, जो कि एक लॉबी के स्पेस के साथ आपको फर्स्ट बेडरूम में दिखाऊंगा। आइए मैं आपको अपना फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूं। फर्स्ट बेडरूम आप देख सकते हैं, फर्स्ट बेडरूम में जो ये डिजाइन आप देख रहे होंगे यूनिक डिजाइन है, इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है। POP का ये डिजाइन है जो कि आप देख रहे होंगे वॉल के साथ पूरा जो है टॉप तक जा रखा है। अगर फॉल सीलिंग के डिजाइन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया फॉल सीलिंग का डिजाइन है, वॉलपेपर जो है ब्लू शेड में वॉलपेपर यहाँ पे लगाया गया है, बहुत ही सुंदर है। कमरे की साइज की अगर मैं बात करूं, रूम के साइज की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 10x10x11 के आसपास का ये साइज रहने वाला है आपका। विद अटैच टॉयलेट आपको यहाँ पे मिल रहा है इस रूम के साथ, आपको विद अटैच टॉयलेट यहाँ पे मिल रहा है। टॉयलेट का साइज आप देख सकते हैं,
तो चलिए गाइज, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम में। और सेकंड बेडरूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन तकरीबन 10 बाय 12 के आसपास का ये रूम साइज़ रहेगा। गाइज, ये हमारा सेकंड बेडरूम है और मास्टर बेडरूम ये रहेगा, जिसमें कि आपको अटैच टॉयलेट मिल रहा है। इस फ्लैट की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ही बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट मिल रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ की सबसे बेस्ट पार्ट की। फुल्ली वेंटिलेशन आपको मिल रहा है विद बालकनी अटैच, आपको ये जो है रूम मिलेगा। अलमीरा भी आपको यहाँ पे मिल रही है, अलमीरा का साइज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे हैंगिंग रोड आपको मिल रही है, इजीली आप अपने कपड़े यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल रहा है। नीचे आपको एक सिंगल ड्रॉअर यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें आप इजीली अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। वॉलपेपर आप देख रहे होंगे क्रीमी शेड में, बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर आपको हम यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन राउंड शेप में यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है, जिसमें कि आप इजीली अपना फ़ैन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, ये भी आपको प्रोविज़न है। और वेंटिलेशन के वाइज मैं बात करूँ तो आपको खिड़की का प्रोविज़न दिया गया है। 2.5 फुट की आपके लिए एक्स्ट्रा जगह स्पेस छोड़ा गया है, जहाँ पे आप अपना इजीली विंडो एसी। अब हम बात कर लेते हैं इस बेडरूम के साथ अटैच जो हमारी बालकनी है, बालकनी का साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ की लोकेशन के बारे में, जो कि गली में आपको दिखाऊंगा। बालकनी का स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टैप का प्रोविज़न दिया गया है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, ड्रेनेज के आपको यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, तो इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एसएस की ग्रिल हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। और लोकेशन आप देख सकते हैं फ्रंट साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा सैम्पल फ्लैट है, अपर ग्राउंड फ्लोर पर मैं अभी हूँ। और लोकेशन आप गली देख सकते हैं कितनी वाइड गली है 20 फुट के हिसाब से, और आसपास बहुत ही अच्छे घर यहाँ पे बने हुए हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, नियर अबाउट आपको जो है तकरीबन बाहर गली से बाहर निकलते ही एक छोटा सा पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके बच्चे वगैरह इजीली वहाँ पे सुबह शाम जा सकते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग मिल रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो BSES के इलेक्ट्रिसिटी के आपको मीटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पानी की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे पानी का ऑप्शन है। होम लोन यहाँ पे 80-90% आप इजीली होम लोन करा सकते हैं। 10%, 20% आप स्टार्टिंग में देकर अपने लोन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और लोन के लिए भी हमारे पास बहुत सारे बैंक के ऑप्शन भी है यहाँ पे। और कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेन रोड से तकरीबन 250 से 300 मीटर पे ही आपको इजीली यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नवादा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। आई होप गाइज कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरीके से आपके लिए नए नए फ्लैट हम लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे मेरे पास कि 1BHK में कोई आप फ्लैट दिखाइए अफोर्डेबल प्राइस में, तो 1BHK में हमारी एक बिल्डिंग रेडी होने वाली है अभी, तो 1BHK में आपके लिए फ्लैट लेकर आऊँगा। और आने वाले कुछ टाइम में आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हमारा ग्रैंड फ्लोर एक प्रोजेक्ट था, उसी तरीके से हमारा एक और नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है ग्रैंड फ्लोर 2। उसमें भी हम जो है काफ़ी सारे फ्लैट्स बना रहे हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन पर स्लैब 6-7 फ्लैट हम वहाँ पे बना रहे हैं, और काफ़ी सारी इन्वेंट्री हमारे पास वहाँ पे आने वाली है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो विनायक और अनंता के पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। हम तकरीबन 23-24 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं 2BHK में, और 30-32 लाख रुपये तक के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग कराना चाहते हैं, बुकिंग हमारे पास स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बीच में जो है ग्रैंड फ्लोर 2 भी लेके चलूंगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।